हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद, चाहे आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, डिलीवरी के बाद फर्स्ट पीरियड आने से पहले भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं क्या, यानी कि प्रेगनेंसी के चांस होते हैं क्या पहली पीरियड आने से भी पहले, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि कई सारी लेडीजों के मन में डाउट रहता है कि इस टाइम पे प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, क्या उनको कोई कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड यूज करना चाहिए या फिर इस टाइम पे कोई कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें, पूरी जानकारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको प्रेगनेंसी के चांस होते हैं या नहीं होते हैं पहली पीरियड से पहले, यानी कि पहली पीरियड आपकी नहीं आई है और आप जानना चाह रही हैं कि हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर मैं एक लाइन में आपको दूंगी, वो ये है कि बिल्कुल आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं पहली पीरियड आने से भी पहले। जी हाँ, कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो ओव्यूलेशन है हर लेडीज़ में अलग अलग होता है, यानी कि किसी में 6 महीने में होगा, किसी में 1.5 महीने में, किसी में 2 महीने में, किसी में 3 महीने में। यानी कि आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कभी भी, किसी लेडीज़ का 1.5 महीने में पीरियड आ रहा है, किसी का 2 महीने में आ रहा है, किसी का 3 महीने में आ रहा है, या फिर किसी का 6 महीने, और किसी को साल भर भी लग जाता है। तो ये लेडीज़ के शरीर पे डिपेंड करता है, उसके बॉडी हार्मोन किस तरीके से काम करते हैं। तो हर लेडीज़ में अलग अलग समय पे ओव्यूलेशन होता है, किसी का जल्दी हो जाता है तो किसी का देर होता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, रैंडमली आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा और आपका फर्स्ट पीरियड आ जाएगा। जब फर्स्ट ओव्यूलेशन आपका होगा उस टाइम पे अगर आपने संबंध बनाया होगा बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड के, तो वहाँ पे आपको प्रेगनेंसी लगने के चांसेस हो जाते हैं और प्रेगनेंसी आपकी लग जाती है। और आप सोचती हैं कि ये जो पीरियड हमारा रुका हुआ है, यानी कि पीरियड नहीं आ रहा है, वो डिलीवरी की वजह से नहीं आ रहा है। तो कई बार होता क्या है कि वो बच्चा ही पेट में आ चुका होता है, यानी कि 4 महीने हो गए, आपको 3 महीने हो गए प्रेगनेंसी का, इस तरीके का हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल चांस होते हैं, आपका रैंडमली कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है। आप ये ना समझे कि अभी तक हमको फर्स्ट पीरियड नहीं आया है तो हमारा बच्चा नहीं लगेगा। देखिए, हर महीने जब ओव्यूलेशन होता है उसके बाद अगर वो अंडा जो है स्पर्म से नहीं मिल पाता है तो पीरियड आ जाते हैं, और अगर मिल जाता है तो पीरियड रुक जाते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी लग जाती है। तो सबसे पहले ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद ही पीरियड ना आना और आना डिसाइड होता है। तो इसलिए ओव्यूलेशन हो गया और उस टाइम पे आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड यूज़ नहीं किया तो आपकी प्रेगनेंसी लग सकती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी आपका ओव्यूलेशन हो सकता है, इसलिए कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड यूज़ कीजिए। जो 21 दिन वाली पिल आती हैं अनचाहे गर्भ से बचाने के लिए, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप फीडिंग करा रहे होते हैं इस टाइम पे, तो वो सही रहती हैं। इसके अलावा आप इंजेक्शन आते हैं 3-3 महीने में लगाने वाले, वो आप लगा सकते हैं, तो ये सही रहता है आपको अनचाहे गर्भ से बचने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ हम अपने चैनल पर डेली अपलोड करते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर लिखें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।